तरुण, मुझे रवि की बात ठीक लग रही है। हमें सुनीति से अभय के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन कब तक में नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सारी उम्र बीत जाए और सुनीति को इस बात का एहसास ही ना हो। ऐसा नहीं होगा, वो अभय से प्यार करती है। अगर प्यार करती है तो शादी करने से इनकार क्यों करती है? क्यों उसे जाके ये कह आई कि वो उससे नफरत करती है? अब तुम ही बताओ, शादी के लिए ना कहने की क्या जरूरत थी? इसी ना को हाँ में बदलने के लिए तो रवि ने ये जिम्मेदारी उठाई है। यू आर राइट मिनी, सुनीति की ना को हम हाँ में दो दिनों में बदल सकते। दो दिनों में? हाँ, दो दिनों में। हमें बस ये खबर जाके सुनीति को पहुंचानी होगी कि अभय दो दिनों में हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहा है और फिर कभी लौट के नहीं आएगा। तुम्हारा मतलब है झूठी खबर? ओहो, झूठी तो हमारे लिए होगी ना, लेकिन उसके लिए तो सच होगी। और अगर वो अभय से सचमुच प्यार करती है तो देखना उसकी ना को हाँ में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्यार तो वो अभय से करती है, वरना अभय के बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक पालने का फैसला वो नहीं करती। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि इस खबर को सुनीति तक कैसे पहुंचाए ताकि वो इस बात को सच माने। एक आइडिया है, वो अपनी दीदी और जीजाजी पे बहुत विश्वास करती है। अगर ये बात वो उनके मुंह से सुन ले कि अभय शहर छोड़कर जा रहा है, तो इस खबर पर वो विश्वास कर लेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जल्दी से फोन दो, मैं अभी उसके जीजाजी को फोन करता हूँ। दो दिन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ।